हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंप्लीट अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। हम आज कंप्लीट स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग बात करेंगे कि इसकी SI यूनिट क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करने का, और साथ ही कैसे हम किसी डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट किन कारणों से जो है वो फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की ही बात कर लेते हैं। लिखा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोग बात करते हैं। ये कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी वायर के अंदर जिस स्पीड के साथ चार्ज फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, ये हम लोग सेकंड डेफिनेशन से समझते हैं, जिसमें थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बात को लिखा गया है। कहते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस दैट अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से जो चार्ज फ्लो होगा वो भी कितने टाइम में, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर जो चार्ज इसके अंदर से फ्लो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्लियर बात है। तो ये तो हमने बात की डेफिनेशन की, तो सिंपल सी डेफिनेशन हमें समझ में आती है कि किसी कंडक्टर के अंदर से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब सेकेंडली हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई। अब ये क्या मतलब है इसका, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को एक सिंबल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन कहते हैं इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। जैसे आप लोग देखते हो कि लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में। नेक्स्ट वन इज वॉट, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इट मींस दैट कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इट डज नॉट कंटेन एनी डायरेक्शन, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब किस फॉर्मूले के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। Now pause the video to note it down. Now बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले के बारे में। तो भाई देखो, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट इज वॉट, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। इट मीन्स दैट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के इक्वल होता है। एक बात ध्यान रखना आप लोग, कभी भी आप इस रेट वर्ड को यहां से हटाएंगे तो आप इसे हमेशा डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पर हमने क्या किया, अभी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज था हमारा, हमने ये रेट हटाया और डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया। अब यहां से हमने इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, क्यू इज इक्वल्स टू एनी। तो हमने क्या किया, इस पर क्यू के प्लेस पर एन ई प्लेस कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट का एक और फॉर्मूला आ गया एन ई अपॉन टी। क्लियर बात है। नाउ एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग बात कर लेते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले के बारे में। तो क्वेश्चन कहता है इफ 5 कूलम चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर फॉर 10 सेकंड देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन इट। इट मींस दैट एक कंडक्टर है जिसमें 5 कूलम का चार्ज 10 सेकंड के लिए फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों को दिया गया है 5 कूलम,
एंड टाइम इज गिवन 10 सेकंड, ये वो टाइम है जितने टाइम के लिए ये चार्ज फ्लो कराया गया है। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब यहां से क्यू कितना गिवन है 5, टी कितना गिवन है 10, तो 5 अपॉन 10 विल बी व्हाट 0.5 एम्पियर। दैट इज इस कंडीशन में यहां पर 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी व्हाट इज 1 एम्पियर, दैट इज द यूनिट इज व्हाट, इट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं 1 एम्पियर के बारे में। एम्पियर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो 1 एम्पियर क्या होता है। और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर कर सकते हैं। क्लियर बात है, तो नाउ स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं 1 एम्पियर के बारे में। तो यहां पर 1 एम्पियर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक एम्पियर के बारे में फिर से एक बात समझ लेते हैं। एम्पियर इज व्हाट, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यहां से यह बताना है कि 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब है। तो देखो हम लोग इतना तो जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अगर हम ये मान के चले कि Q हमारे पास 1 कूलम है और टाइम हमारे पास 1 सेकंड है, मतलब हम ये मान के चले कि 1 कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर से 1 सेकंड के लिए अगर फ्लो होता है तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक करंट आएगी वो 1 कूलम आएगी। देखो कैसे, यहां से अगर Q 1 कूलम लेंगे और टाइम 1 सेकंड लेंगे तो I इज इक्वल्स टू तो Q अपॉन T होता है, इट विल बी 1 अपॉन 1 एंड इट विल बी 1 एम्पियर। तो अब ये बात समझ में आती है कि अगर किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगी वो 1 एम्पियर होगी। तो देखो हमने यही बात यहां पर लिखी है 1 एम्पियर की डेफिनेशन में, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन अ कंडक्टर फॉर 1 सेकंड देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्लियर बात है, ये तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हम लोग के पास। जब भी हमें 1 एम्पियर 1 वोल्ट या समथिंग कुछ भी ऐसे कैलकुलेट करना होगा तो हम ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे और डिफाइन करेंगे। क्लियर बात है, तो नाउ स्टूडेंट अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास होती है उस इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे हम लोग और उस डिवाइस को सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में फाइंड आउट कर सके। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं उस डिवाइस की जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं दैट डिवाइस इज नोन एज द एमीटर। इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर इज व्हाट, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट। मतलब एक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको मेजर करने का एक डिवाइस होता है, कहते हैं इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज का क्या मतलब है, मतलब किसी भी सर्किट में अगर इसको आपको कनेक्ट करना है तो आप कोई भी एक वायर क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और यहां पर इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। एक बात और ध्यान से रखना आप लोग, अगर आपको अपने घर में कहीं भी एमीटर, आपको एमीटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट चेक करना है तो आपके पास 2 वायर्स होती हैं, ठीक है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक वायर यहां से लेंगे और एक वायर यहां से और इलेक्ट्रिक एमीटर को ऐसे कनेक्ट करेंगे, नहीं ये रॉन्ग मेथड है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, केवल सिंगल वायर तोड़नी है ऐसे, इसको बोलते हैं सीरीज में, एक ही वायर तोड़नी है और इसी वायर से आपको क्या करना है, इस एमीटर को यहां पर जो है वो ऐसे सेटअप कर देना है। इससे क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगी अब वो इस एमीटर से पास होगी और फिर एमीटर उसकी रीडिंग आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर बात है, तो ये हम लोगों के पास एमीटर है। एक और बात लिखी है इसके बारे में, इट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अब ये लो रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, यहां पर लो रेजिस्टेंस से मतलब है कि ये करंट के फ्लो में कम से कम रुकावट पैदा करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। अब यहां पर क्या होगा, ये करंट के फ्लो को नहीं रोकेगा, आप यहां से करंट आएगी ये फ्लो को नहीं रोकेगा क्योंकि ये बहुत ही
लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में आप लोग प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन भी जो है मिलते ना। नाउ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वन लेक्चर में।